हर हर मोदी, घर घर मोदी नारा सर के पार के एक दो कोड़ी का जेहादी सैनिक को थप्पड़ मार गया। आप तो भ्रष्टाचारी, मीडिया मैं भ्रष्टाचारी हो गया अगर मोदी के खिलाफ बोल दिया। आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 67 साल तक सवाल पूछते रहे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो आप है। मीडिया पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? अरे मीडिया तो बिक चुकी है, क्या भरोसा करें। उसी रोड पे हमारे पूजनीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उसी रोड पे जैसे महिलाएं चलती हैं ना सम्मान के साथ में अकेली, वैसे मोदी, योगी, अमित शाह कोई भी हो, उस रोड पे चल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। अभी तो अरड़ों का जिसका भी आपने नाम बताया, वो भी बहुत दिन पहले करता था, पूछता है भारत और इस गोदी मीडियाओं पे थूकता है भारत। सब दलाल है भैया, मैंने क्या बताया कि रवीश कुमारी भाई एक सही था बस। मेरे साथ एक युवा ब्राह्मण है। नहीं, ब्राह्मण जो बोल रहे हो भैया, क्यों बोल रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग है। अनुराग हिंदू? हाँ हिंदू हो? बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, मेरे साथ हिंदू हैं और ये कह रहे हैं कि जो शाहरुख खान की फिल्म है वो ठीक है। कैसे कह रहे हैं भैया? हिंदू तो विरोध कर रहे हैं भैया। जिसको जो करना है करने दो, अपना क्या जाता है, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, जिसको विरोध करना है करने दो, हम तो देखने जाएंगे, बस हम जाएंगे। अभिव्यक्ति नाम की सरकार में बैठे हुए लोग विरोध कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मोदी जी। अरे उनके करने से क्या होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा तो आरएसएस की सफल कार्यकर्ता रही हैं। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है बताओ, उससे क्या होगा? रहने दो। धर्म भगवा का अपमान धर्म का अपमान नहीं है? उसमें क्या कह रहे कि भगवा बेशरम है? रंग गाना में बोला ये रंग बड़ा बेशरम है। अच्छा तो हरा भी बेशरम है। प्राकृति का कलर क्या है बताओ, पेड़ पौधों का? नीला, नीला हरा। ये नीला है, पेड़ों का रंग नीला होने लगा भैया, देखो आसमान का रंग नीला है, पेड़ का रंग हरा है, अच्छा ग्रीन है, तो सब बेशरम है। उसी को बेशरम नहीं करना चाहिए था ना रंग को? नहीं, वो रंग बेशरम भाई, रंग बेशरम। कौन को ऐसे कपड़ों पर डांस नहीं करना चाहिए था, अश्लीलता फैल रहा है। अच्छा और जो अश्लील फिल्में बन रही हैं उस पे क्या बोलोगे आप? अश्लील फिल्में भी तो बनती हैं, उस पे क्यों नहीं बोलते हो आप? पर रोक लगना चाहिए। तो रोक हम लगाएंगे या आप लगाओगे? करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, रोक हम लगाएंगे, आप बताओ। कटरीना कैफ हो, कौन लगाने का काम करेगा? वर्तमान सरकार और सेंसर बोर्ड का कुछ नहीं जा रहा, वर्तमान सरकार का कुछ नहीं जा रहा, काहे माथा पच्ची करते हो भैया? फिल्म का विरोध करो, बेवकूफ है। मुझे होगा भैया, क्योंकि देखो जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखी इतने तैसे हॉल का ईट की ईट से ईट बजा देंगे अगर देखो। कुछ नहीं बजने वाला भैया, धर्म खतरे में आ गया है भाई साहब, आप कैसे हिंदू हो भाई? अच्छा जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 67 साल कांग्रेस ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया, कैसी राजनीति करते हैं आप? मोदी विरोधी? हम नहीं मोदी विरोधी, मोदी का विरोध हम करने लायक हैं। अरे भैया हम तो मोदी जी के कांख का वो बाल हैं, बिल्कुल छोटा सा, हम मोदी का विरोध कर पाएंगे? मोदी का विरोध तो आप लोग कर रहे हो। आप मोदी विरोधी नहीं है? हम नहीं है, हम तो आप कांग्रेसी एजेंट हो? अरे हम कांग्रेसी भी नहीं है, ना हम इस दल में हैं ना हम उस दल में, हम तो निर्दलीय हैं। हाँ। हम तो निर्दलीय तो आप कह रहे थे कि महंगाई पर बात करो, महंगाई है इस देश में? कहाँ महंगाई है, 400 वाला थाली में सब्जी पड़ती है आपकी? कितनी सब्जियां खाते हो थाली में? थाली में भैया देखो हम तो गरीब हैं और 2014 से पहले खाते थे 5 किलो राशन मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा। सिलेंडर का गैस नहीं मिल रहा है? 1053 में 450 में भरता था तो क्या तो 56 शेर पालोगे, इतना महंगाई भी नहीं उठाओगे? शेर मोदी जानवर हैं भैया, काहे उनको और प्रधानमंत्री जी हैं, मानव हैं, आप उनको जानवर बोल रहे हैं। शेर का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, उनसे थर थर कांपता है चीन और पाकिस्तान। अच्छा हर हर मोदी, घर घर मोदी, नारा सर के पार के एक दो कोड़ी का जेहादी सैनिक को थप्पड़ मार गया। पाकिस्तान कांपता है, चीन कांपता है, बांग्लादेश कांपता है, कौन कौन कांपता है? मोदी से तो पहले विधायक कांपते हैं भैया, मोदी से तो पूरा हिंदुस्तान ही कांपता है, हिंदुस्तान भी तो कांपता है मोदी से। किसकी हिम्मत है, आपकी हिम्मत है मोदी जी से सवाल पूछने की? मुझसे? हाँ आप जी सबसे डेमोक्रेटिक नहीं है, आपकी भी हिम्मत नहीं है। जब उनकी मनमोहन जी की सरकार हुआ करती थी, अगर वो कहीं जा रहे होते थे ना आप जैसे पत्रकार, अरे बताइए बताइए बताइए, आप पूछिए ना मोदी से, काहे नहीं पूछते हो? मोदी है तो मुमकिन है, जब देश में बढ़िया चल रहा है, चीन कांप रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, कुछ आप जैसे देशद्रोही हैं जो मोदी जी पर सवाल उठाते हैं। अच्छा तो इसका मतलब आप 2014 से पहले आप भी देशद्रोही थे, भ्रष्टाचारी थे।
आप भी तो देशद्रोही थे जब मनमोहन जी के मुंह में ठूंस देते थे, तब भी आप तो भ्रष्टाचारी थे। मैं भ्रष्टाचारी हो गया अगर मोदी के खिलाफ बोल दिया? आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 67 साल तक सवाल पूछते रहे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो आप है। मीडिया पर भरोसा नहीं आप लोगों को? अरे मीडिया तो बिक चुकी है, क्या भरोसा करें? आपका भरोसा जैसे तबाहें अपनी अदाएं बदलती हैं सरकार के बदलते ही, आप भी उन्हीं के इशारों पे नाचने लगते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।